बात करेंगे आज लवली इनू कॉइन की। लवली इनू कॉइन पिछले कुछ टाइम से काफ़ी डाउन गया है, आप सबने भी ये चीज़ नोटिस की है, सबने नोटिस किया है कि काफ़ी डाउन जा चुका है। लेकिन यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, डाउन अगर गया है तो पंप भी ज़रूर होगा। और यहाँ पे कुछ लवली इनू को लेके आज हम बात करने वाले हैं, कुछ अब आगे क्या हो सकता है ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और देखो लवली इनू की लिस्टिंग्स जो हैं अभी काफ़ी कम हुई हैं, यही एक रीज़न है कि लवली इनू यहाँ पे जो प्राइस हैं वो थोड़े से डंप हुए हैं। काफ़ी पंप भी हुआ है लवली इनू, देखो लॉन्च होने के 15-20 दिन बाद पंप भी हुआ, उसके बाद डाउन भी जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो अब यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, जो बर्निंग आने वाली है 11 सितंबर को 21 सितंबर को, ये बर्निंग एक गेम चेंजर का काम करेंगी। पंप यहाँ से देखने को मिल सकता है इन बर्निंग्स के बाद, लेकिन जैसा पंप और $1 का जो विज़न है इनका, $1 तक लेके जाना है, वो वाला पंप आने में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और यहाँ पे अभी सबसे बड़ी अपडेट लवली इनू कॉइन को लेके यही है कि अब आप रेडी हो जाओ कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको के लिए। जो लिस्टिंग का सफ़र है वो अब यहाँ से शुरू होगा, कॉइन मार्केट कैप से और कॉइन गेको पे। तो जल्दी ही आपको कॉइन मार्केट कैप पे अब लवली इनू कॉइन लिस्टेड होता दिख सकता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1 वीक के अंदर कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको दोनों पे लिस्टिंग हो सकती है, ठीक है। 1 वीक में ये अपडेट आपको ज़रूर मिल जाएगी, और रिसेंटली जहाँ लिस्टिंग हुई है वो सब चीज़ें आपको पता है। इसके बाद जो सफ़र है और एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने का चलेगा, मतलब जैसे कि वजीरेक्स, ये सब चीज़ें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वजीरेक्स, बाइनेंस, यहाँ पे सबसे पहला जो अगर मैं स्टेप समझता हूँ वो है कॉइन मार्केट कैप का और कॉइन गेको पे, और इस पे लिस्टिंग होती है तो काफ़ी परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की नज़र में पड़ेगा लवली इनू कॉइन, होल्डर भी बढ़ने के चांस हैं, ठीक है। तो अभी पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको बाइंग कॉल भी देने वाला हूँ, आप बाय द डिप, ये अच्छा मौका है आपको बाय करने का। तो मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, 1 से 2 साल के लिए आप उनको खरीद सकते हो, क्योंकि प्राइस अभी कम है, मार्केट अभी डाउन है किन्हीं फैक्टर की वजह से, तो जल्दी ही रिकवर मार्केट हो जाएगा और ये अच्छा मौका है खरीदने का। तो वीडियो के एंड में कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जो 1 से 2 साल के लिए आप खरीद सकते हो। लेकिन लवली इनू का क्या चलेगा, लवली इनू का क्या $1 तक पहुंचेगा, ये सबके मन में सवाल है। और देखो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आज, आप लवली इनू में पैसे इन्वेस्ट करो, लेकिन आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करो जब तक लिस्टिंग नहीं होती। मैंने आपको पहले भी कहा है थोड़ा एक सितंबर का महीना आप वेट कर लो, देख लो सब चीज़ें, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब लवली इनू कॉइन डंप हो गया तो यहाँ पे अब आप सब बहुत सारे मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आने लग जाते हैं कि अब लवली इनू कॉइन का कोई फ्यूचर नहीं है, अब लवली इनू कॉइन ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई क्रिप्टो करेंसी अगर पंप करती है ना तो वो डंप भी जाती है, ठीक है, हमेशा पंप पे नहीं रहेगी वो, ये चीज़ आप भी समझते हो इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे डंप चल रही है काफ़ी टाइम से, तो लवली इनू का मैं समझता हूँ ये जो 11 सितंबर की बर्निंग है और जो लिस्टिंग है कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको, पहला स्टेप मैं समझता हूँ 1 वीक या 10 दिन के अंदर ये लिस्टिंग की अपडेट भी आ जानी चाहिए और लिस्टिंग हो भी जानी चाहिए। तो अगर ऐसा 10 दिन में हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी, ठीक है। 15 सितंबर 17 सितंबर से पहले ये चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब अपडेट निकल के आने वाली है। और काफ़ी टाइम से सितंबर में कोई मैसिव अपडेट नहीं आई है, बड़ी अपडेट नहीं निकल के आई लवली इनू कॉइन को, प्राइस भले ही डंप हो रहा है लेकिन ख़रीदारी लवली इनू कॉइन में अभी भी हो रही है। तो आप बड़े लेवल पे मत खरीदो, ठीक है, अभी प्राइस डाउन है। अगर अभी आप तक आपने लवली इनू कॉइन नहीं खरीदा तो आप अब खरीद सकते हो, लेकिन कम इन्वेस्ट करो, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको शुरू से यही कहता हूँ। और जब थोड़ा लिस्टिंग हो जाए, थोड़ी चीज़ें आप देखो लवली इनू कॉइन को, ठीक है, कहाँ कहाँ लिस्टिंग हो रही है, कहाँ प्रोजेक्ट, अभी सिर्फ एक टोकन आया डॉक्टर स्कल, और ये जो 5 प्रोजेक्ट इन्होंने लिए हैं उन पे भी कुछ मेरे को अभी लगता है कुछ बढ़िया काम नहीं हुआ है। तो आप थोड़ा सा वेट करो, सितंबर का महीना चीज़ें देखो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कम इन्वेस्ट करो लवली इनू में, मैं आपको यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो यही एक अपडेट थी लवली इनू को लेके कि जल्दी ही अब आपको कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको पे कॉइन ये लवली इनू कॉइन लिस्टेड होता दिख सकता है 10 दिन में, मुझे ऐसा लगता है। तो यही थी एक सबसे बड़ी अपडेट लवली इनू कॉइन को लेके, और मार्केट का हाल आप सबको पता है अभी काफ़ी डाउन है। तो मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी आपको बता रहा हूँ कि
आप इनको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ, 1 से 2 साल आपको होल्ड करना है, ठीक है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो। बाकी आप खुद से भी अपनी रिसर्च कर लेना, मार्केट अभी डाउन है, प्राइस कम है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, कुछ रेकमेंड कर रहा हूँ। एक तो कार्डनो ADA आप खरीद सकते हो, XRP है, XRP कॉइन को भी खरीद के रख सकते हो, और पोलका डॉट है, यहाँ पे बिट टोरेंट कॉइन है, होलो कॉइन है, और यहाँ पे जो एक कॉइन और निकल के आता है वो है IOTX कॉइन, ठीक है, और मैटिक, पॉलीगन मैटिक, ये कुछ 5-6 क्रिप्टो करेंसी हैं, आप इनको होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। 1 से 2 साल आप अगर होल्ड करोगे तो अच्छे रिजल्ट इन क्रिप्टो करेंसी में मिलेंगे, और प्राइस अभी काफ़ी नीचे आ गया तो एक अच्छा मौका है खरीदने का, ठीक है। बाकी आप खुद से भी अपनी रिसर्च कर लेना इन क्रिप्टो करेंसीज पे, और लवली इनू को लेके जो अपडेट थी हमने आपको बता दी, जल्दी ही आपको कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको पे लवली इनू चमकता हुआ दिख सकता है, हमें यही एक्सपेक्टेशन है लवली इनू कॉइन से, और जो $1 का विजन है उसको लेके सितंबर का महीना आपको वेट करना ही होगा, सितंबर के महीने आपको चीज़ें देखनी होंगी क्या क्या चीज़ें लवली इनू कॉइन में होती हैं, तो वेट और पेशेंस आपको रखना होगा, ठीक है। तो सितंबर का महीना आप वेट करो, बस आपसे यही एक गुजारिश है कि आप सितंबर का महीना देख लो लवली इनू कॉइन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।